हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ओम प्रकाश रातावाल और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑल स्काई पर। ऑल स्काई पर हमने शुरू किया हुआ था कोल्डर मास्टर क्लासेस, जिसमें हम 4 एपिसोड कर चुके हैं। आज का एपिसोड है हमारा 05, जिसमें हम आज बनाएंगे एक कैरी बैग का डिज़ाइन। इस डिज़ाइन से पहले काफ़ी डिज़ाइन हम बना चुके हैं। आज का एपिसोड किस तरह खास होने वाला है ये हम डिज़ाइन बनाते टाइम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे किस तरह हम साइज लेते हैं कैरी बैग का, उसके फ्रंट साइड और स्पाइन को किस तरह हम रखते हैं, और उस पर डिज़ाइन करते टाइम एलिमेंट्स को किस तरह हम यूज़ करते हैं, इन सभी बातों का हम ध्यान रखेंगे। कैरी बैग आप जानते ही हैं, जब भी शॉपिंग करने हम जाते हैं कैरी बैग बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाता है सामान को कैरी करने के लिए। जो भी आइटम हम या जो भी सामान हम परचेज करते हैं उसको कैरी बैग में हम लेकर आते हैं, तो इसलिए कैरी बैग बहुत ही खास है। तो आइए शुरू करते हैं कैरी बैग पर आज का हमारा यह एपिसोड कोल्डर मास्टर क्लासेस में, जो कि है 05 कैरी बैग के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड शुरू करने के लिए जो कि है कोल्डर मास्टर क्लासेस में 05 कोल्डर को हम शुरू करते हैं। कोल्डर हमने स्टार्ट किया। कोल्डर स्टार्ट करने के बाद हमने एक फाइल ओपन की हुई है, इसमें न्यू फाइल हमने क्रिएट की है, जिसमें 2 पेज है। पहले पेज पर हमने अभी फिलहाल ब्लैंक किया है, इस पर हमने अपना जो भी डिज़ाइन है जो कि कैरी बैग का एक डिज़ाइन हम आज क्रिएट करेंगे, एक किस तरह उसको बनाया जाता है और किन बातों को उसको बनाते टाइम ध्यान रखना है हमें। और पेज नंबर 2 यानी कि जो इसमें 2 पेज हैं, दूसरे पेज पर मटेरियल है जो इस फाइल में हम यूज़ करेंगे उसको हमने प्लेस किया हुआ है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। कलर है हमारे पास जो कि ब्रांडिंग का इसका ब्लू है, लोगो है, लोगो की टैगलाइन है, टेक्सचर हमने प्लेस किए हुए हैं, कुछ ग्राफिक्स हैं और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है जो कि हम इस पर यूज़ करेंगे। तो दोबारा चलते हैं हम वापस पेज 1 पर, जूम आउट हम इसको करते हैं और सबसे पहले हम साइज़ क्रिएट करते हैं। साइज़ क्रिएट करने के लिए हमने एक बॉक्स सेलेक्ट किया और हम कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं। फिलहाल ड्रॉ हमने किया यहाँ पर और इसको हम साइज़ देते हैं। साइज़ हमने जो इसका रखना है सेंटीमीटर के हिसाब से रखना है, तो सबसे पहले इसका मेजरमेंट है वो चेक कर लेते हैं, उसको हम सेंटीमीटर के हिसाब से करते हैं। उसके बाद दोबारा हमने सेलेक्ट किया इस बॉक्स को, रेक्टेंगल जो हमने अभी क्रिएट किया उसको सेलेक्ट किया और इसको हम 39 या 40 कर लेते हैं। 40 इसको सेंटीमीटर विड्थ में हमने किया और हाइट जो इसकी है वो 30 सेंटीमीटर के करीब में। तो ये साइज़ हमने क्रिएट कर लिया है 30 और 40। कैरी बैग में 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है, एक तो फ्रंट और उसका एक स्पाइन। तो इसको हम या तो डुप्लीकेट ले लेते हैं इसी तरीके से, लेफ्ट क्लिक से इसको मैंने इस तरह ड्रैग किया और उसके बाद में राइट क्लिक प्रेस कर दिया, या कीबोर्ड से हम प्लस को भी क्लिक कर सकते हैं डुप्लीकेट के लिए। तो ये हमने क्रिएट कर लिया दूसरा बॉक्स, इसको हम साइज़ देते हैं। साइज़ इसका जो हम रखेंगे इसको 10 रखते हैं, तो जो इसकी विड्थ है 10 भी रख सकते हैं। इसको कम करना चाहें तो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप इसको कम भी कर सकते हैं, चाहे हम इसको 9 कर लेते हैं या 8 कर लेते हैं। तो 9 सेंटीमीटर इसको हमने रखा। उसके बाद में जो इसका कॉर्नर है इन दोनों को एक दूसरे से मिला देते हैं, तो ये आपकी स्पाइन जो फ्रंट साइड है वो क्रिएट हो चुका है। कैरी बैग में जब भी हम बनाते हैं तो हम ये 2 साइड मेनली क्रिएट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ज़्यादातर डिज़ाइंस में जो कैरी बैग के डिज़ाइंस होते हैं ज़्यादातर उसमें इसी को रिपीट किया जाता है बैक साइड में भी। तो उसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे किस तरह उसको क्रिएट करते हैं। तो आपकी स्पाइन जो है वो आपका 9 सेंटीमीटर है विड्थ में, तो जो नीचे का बॉटम होगा जो कि इसको क्लोज करने के लिए, उसको भी हम इसी के साथ क्रिएट कर देते हैं फिलहाल। या तो आप इसी को प्लस करके नीचे इसको रोटेट कीजिए, या दूसरा एक और बॉक्स हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे इसी के नीचे मैंने एक सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर जो इसका साइज़ है, पहले तो मैं इसको साइज़ को इसी के बराबर रखूँगा विड्थ में, और जो हाइट होगी, हाइट जो हम स्पाइन रखते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसकी हाइट हमें रखनी पड़ेगी। तो इसको भी 9 सेंटीमीटर हम कर देते हैं। ऊपर से इसको लॉक करते हैं, टॉप साइड से मैंने इसको लॉक किया और उसके बाद में 9 सेंटीमीटर इसको टाइप किया, एंटर किया। तो ये हमारा स्पाइन का एरिया क्रिएट हो चुका है। उसके बाद इसी को हम दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं इस तरह, और राइट पॉइंट पर आकर जो राइट साइड पॉइंट है उस पर आकर हम इसको राइट क्लिक करते हैं डुप्लीकेट करने के लिए। तो ऊपर आप देखेंगे जो इसका साइज़ है 40 सेंटीमीटर हो चुका है, जो कि ऊपर वाले बॉक्स के हिसाब से ही है। अब सबसे पहले हम इस पर अपने डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। ये आपका बॉटम साइड है, जब ये पेस्ट करेंगे हम इसको, फिलहाल ये हमने आईडी के लिए रखा है। जो इसकी हाइट है उसको हम बाद में कम भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड जो बैक और फ्रंट दोनों साइड में पेपर आपका यूज़ होगा इसको फोल्ड करने के लिए। तो चाहे तो हम इसको 50% या 50% से थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी 9 सेंटीमीटर है तो इसको हम 6 या 5 कर देते हैं। तो हाइट में लगभग इसको हमने 6 सेंटीमीटर कर लिया। 6 सेंटीमीटर इसको करने के बाद अब हम चलते हैं डिज़ाइन पर। डिज़ाइन के लिए जो भी एलिमेंट हमारे पास हैं उनको हम लेकर आते हैं यहाँ पर, और उनको लाने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर पेज का जो साइज़ है वो 77x56, यानी हम 80x60 का इसको कैनवास सबसे पहले देते हैं। जो इसका फाइल का साइज़ है, जो आर्टबोर्ड का साइज़ है, उसको 80x50 जो भी आप रखना चाहें, 80x60 कर लेते हैं, इसको 80x60 कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा हम पेज नंबर 2 पर चलते हैं। क्लिक हमने किया इसके ऊपर, कीबोर्ड से जी की को प्रेस किया और इसको राइट क्लिक किया जूम आउट करने के लिए। यहाँ पर आकर हम इसको या तो एक एक को हम सेलेक्ट करें, या सभी को कमांड ए को हम प्रेस करके सभी को हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर एक ग्राफिक यहाँ पर भी है जिसे हमने कॉपी करना है, तो इसी को हम दोबारा से कॉपी करते हैं, एडिट में जाते हैं और इसको हम करते हैं कॉपी।
कट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम ये हमें मिलेगा नहीं, तो इसलिए हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पेज नंबर 1 पर हम आते हैं और यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट इसको हमने कर दिया है। इसके बाद में हम राइट क्लिक करके दोबारा जूम आउट करते हैं। जूम आउट करके थोड़ा सा इसको जो साइज़ है इसको फिलहाल हम थोड़ा साइड में इसको प्लेस करते हैं। मूव इसको किया हमने, 2 मिनट के लिए इसको ग्रुप करते हैं। जब भी इस तरह से पेज के आउटसाइड में आप कोई ऑब्जेक्ट लेकर जाएं तो उसको ग्रुप कर लें, क्योंकि कई बार वो वहाँ से किसी दूसरे पेज पर पहुँच जाता है या आर्टबोर्ड पर सेट नहीं होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका जो साइज़ है, विड्थ में इसका साइज़ 80 सेंटीमीटर है, इसको हम बढ़ा के फिलहाल 150 कर देते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा जो आपका मटेरियल है वो इस पेज पर ही रहेगा। तो सेलेक्ट ऑल करते हैं और सभी को हम पेज पर लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो भी मटेरियल है वो सारा आ चुका है और जो साइज़ है वो भी हमारे पास है। इसके बाद में हम एक एक कर इस पर इसको सेट करते हैं, किस तरह हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको डिज़ाइन करने के लिए इसको एक बैकग्राउंड देनी होगी कि किस तरह हम बैकग्राउंड और टेक्सचर को यूज़ करें। तो हम सबसे पहले इसमें कलर जो हमारे पास ब्लू ही हमने यूज़ करना है, कोई दूसरा अगर यूज़ करना होगा तो हम बाद में ऑप्शन भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास इमेज है जो कि हमने टेक्सचर के लिए रखी हुई है उसी को हम प्लेस करते हैं। तो हमारा ये फ्रंट है जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, पहला बॉक्स जो बड़ा बॉक्स है 40x30 सेंटीमीटर का जो बॉक्स हमने क्रिएट किया है वो हमारा फ्रंट है। उसके साथ में जो ये बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये हमारा स्पाइन है। तो या तो हम दोनों पर इसको प्लेस कर लेते हैं, इसी को सिलेक्ट करके बॉक्स के साथ में इसको हम अलाइन करते हैं। अलाइनमेंट पर जाते हैं और यहाँ पर अलाइन लेफ्ट और अलाइन टॉप क्लिक करते हैं। तो दो साइड से ये अलाइन हो चुका है। इसके बाद में इसको हम ड्रैग करके या इसको हम इस तरीके से साइज इसका इंक्रीज करते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि इसको हम पूरा इंक्रीज करें या नीचे बॉटम पे इसको दें या प्लेन कलर दें। तो फिलहाल ये सिमिलैरिटी सी रहे तो इसके लिए हम इसको यहाँ तक पूरा नीचे कलर कर देते हैं। इसको थोड़ा सा तो स्ट्रेच करते हैं या इसको एक्सटेंड कर देंगे यहाँ से। तो फिलहाल इसको हम साइज इसका एक्सटेंड हमने कर दिया इसको। इसके बाद ये हमारा फ्रंट हो चुका है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है ग्राफिक्स के किस तरह इसको हम यूज़ करें। एक बार ये हमारा पूरा क्रिएट हो जाएगा उसके बाद में हम इसको पावर क्लिक कर देंगे, जो कि आपने सीखा है ट्यूटोरियल में। अगर नहीं सीखा है तो उसके लिए आप कोरलड्रॉ ट्यूटोरियल जरूर देखें, उसमें सभी कमांड्स को हमने डिटेल से बताया है कि किस तरह आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको प्लेस करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि विड्थ में इसको कितना भी हो लेकिन हाइट हमें पूरा कवर करना है। तो हाइट को कवर करने के लिए जो हमारा बॉक्स है उसको साइज़ हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। वैसे तो हमें पता है जो उसका साइज़ है, इसको सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले और इसको ऑर्डर करते हैं और इसको बैक करते हैं सबसे पहले और इसको अब देखते हैं जो हमारा बॉक्स है किस साइज में। हाइट इसकी जो है 30 सेंटीमीटर है तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में इसको हम जो हाइट है इसका यहाँ पर प्रोपोर्शन बॉक्स को हम क्लिक कर देते हैं जिससे कि वो डिस्टॉर्ट ना हो और इसको हम 30 सेंटीमीटर हाइट करते हैं इसकी। ये फिलहाल हम इतना ही कर रहे हैं, इसको हमें बाद में थोड़ा कम ज़्यादा भी करना पड़ सकता है क्योंकि हमें नीचे बॉटम के लिए अगर देना हो तो वहाँ पर भी इंक्रीज़ करना हो सकता है या टॉप साइड में अगर हम देखें फिलहाल अभी कुछ नहीं है लेकिन हमें इन साइड में फोल्ड करने के लिए इसको कुछ एरिया हमें देना पड़ता है जिससे कि वो ठीक तरह फोल्ड हो, जो उसकी स्ट्रेंथ है जो डोरी लगती है वो उस पर ठीक तरह काम करें। तो यहाँ पर हमें इसको इतना पोजिशन देख लेते हैं कि किस पोजिशन पर हम इसको सेट करें। बॉक्स के साथ इसको एक बार हमने सेलेक्ट किया, दोबारा इसको अलाइन में जाते हैं और अलाइन में इसको टॉप कर देते हैं। टॉप साइड से अलाइन हो चुका है। इसके बाद सेलेक्ट करते हैं दोबारा इस टेक्सचर को और हम चलते हैं सीधा ट्रांसपेरेंसी पर। टू मेनी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, यानी कि जब बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं तो उस टाइम पर ये कमांड ठीक तरह काम नहीं करती। तो इसके लिए क्या है, हमने जो टेक्सचर है उसको इसी तरीके से यूज़ करना है। तो हम बिटमैप में जाते हैं, हमने इसको इसी तरीके से यूज़ करना है तो हम बिटमैप में जाते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं बिटमैप पे। यहाँ पर जो इसका कलर है वो फिलहाल जो इमेज हमारी RGB यूज़ होगी लेकिन हम यहाँ पर इसको CMYK के रखेंगे क्योंकि जो प्रिंटिंग के लिए जो भी डिज़ाइन यूज़ होते हैं हम CMYK में ही रखते हैं। तो CMYK हमारा है। रेजोल्यूशन इसकी फिलहाल हम 150 रख रहे हैं लेकिन जब आप प्रिंटिंग के लिए इसको क्रिएट करें तो इसको 300 ही होना चाहिए। ओके करते हैं। एंटी अलाइजिंग और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ऑन रखते हैं। ओके किया हमने। ओके करने के बाद आपका ये जो ग्रुप है, जो भी ऑब्जेक्ट का ग्रुप है वो पूरी तरह से फ्लैट हो जाएगा और एक सिंगल ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा। बिटमैप में कन्वर्ट होने में इसमें काफ़ी टाइम लगा, मुझे लगा शायद कोरलड्रॉ हैंग हो गया है, मैं भी इसको क्लोज ही करने वाला था लेकिन ये शुक्र है कि हो चुका है। तो दोबारा बिटमैप में एक बार दोबारा से चलते हैं और इसको जो रीसैम्पल हम करेंगे क्योंकि रेजोल्यूशन जो इसको ज़्यादा लग रही होगी जिससे कि वो थोड़ा स्पीड से काम करें, हम इसको ये ठीक है फिलहाल छोड़ देते हैं इसको। यहाँ पर आकर हम इसको आप ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करेंगे, इसको हमने क्लिक किया और यहाँ पर देख लेते हैं नॉर्मल। इसके बाद में मल्टीपल करते हैं इसको। सबसे पहले मल्टीपल हमने किया, इसमें इफेक्ट हम चेक करेंगे जो भी हमें ठीक लगेगा। डिवाइड करते हैं, थोड़ा हमें डार्क करना है जिससे कि ये इसको ठीक तरह नज़र आए। मल्टीपल जैसे हमने इसको किया है फिलहाल, अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम बढ़ाएंगे तो ये पूरी तरह गायब हो जाएगा। तो इसको हमें डेंसिटी इसकी फुल रखनी होगी। फुल रखने के बाद इसको जो इफेक्ट है वो दोबारा चेक करते हैं इसमें और क्या हम कर सकते हैं। इसको डार्कर करते हैं, इफ लाइटर करते हैं, ओवरले नहीं, कलर डॉज,
कलर बर्न ठीक है, थोड़ा सा हमें इफेक्ट देना है और कुछ नहीं करना। तो फिलहाल जो इसका पोर्शन है, इमेज का जो पोर्शन है वो साइड में भी है, लेकिन अभी इसको हम ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद जो हमारे पास है यहाँ पर टेक्सचर और नीचे का ये हम जो बैंड जो ग्राफिक है उसको यूज़ किस तरह से करेंगे, तो इसको भी हम लेकर आते हैं थोड़ा साइड में। यहाँ पर इसको हम रखते हैं फिलहाल, इसको फिलहाल हम ग्रुप कर लेते हैं सबसे पहले। ग्रुप हमने शायद किया होगा लेकिन एक बार देख लेते हैं। ग्रुप यहाँ पर इसको कर लेते हैं, ग्रुप हमने किया। उसके बाद में इसको अप्लाई करते हैं, इसको भी हम ट्रांसपेरेंसी को अप्लाई करते हैं, मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल में नहीं, इसको ओवरले करते हैं। ये ठीक है, ये हमने इसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद इसकी पोजीशन हम देखते हैं बॉटम साइड में, और इसे सिर्फ हमने फ्रंट साइड में रखना है, यानी कि जो इसका स्पाइन का एरिया है वहाँ पर हम इसको नहीं रखेंगे। तो फिलहाल हम इसको अभी यहीं से इसको इंक्रीज़ करते हैं, और थोड़ी देर में जब इसको हम पावर क्लिप करेंगे तो वहाँ से हम हटा देंगे इसे। ओवर जो टेक्स्चर है आपके पास उसी से इसको अलाइन करते हैं। अलाइन किया इसको हमने, और इसको सॉरी टॉप मैंने कर दिया लेकिन इसको टॉप नहीं करना था। इसको दोबारा हम क्लिक करते हैं और इसको बॉटम साइड से क्लिक अलाइन करते हैं। बॉटम साइड पर ये मैंने इसको अलाइन कर दिया है। अलाइन करने के बाद अब हमारे पास जो है वो ये टेक्स्ट है, इसको हम लेकर आते हैं जो कि हमने पहले ही ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमने मिक्स करके क्लॉज टाइप में बनाया है, इसी को हम यहाँ पर रखते हैं। अब इसको या तो हम इसको मल्टीपल भी कर सकते हैं, या फिर अगर हम इसको थोड़ा कुछ अलग तरीके से दिखाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, स्क्रीन दे सकते हैं इसको। तो दोनों ही हम चेक करेंगे। स्क्रीन जैसे हम अगर इसको क्लिक करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है इस पर, स्क्रीन में पूरा वो उस पर नज़र नहीं आएगा। तो इसको दोबारा क्लिक करते हैं और इसको ओवरले करते हैं सबसे पहले। ओवरले ठीक है, ओवरले करने के बाद इसको थोड़ा जो परसेंटेज है वो हम कम कर देंगे, या तो वहां पर हम टाइप करें या इस तरह स्लाइडर को ड्रैग करें। ये बहुत ही हल्का सा हमने दिखाना है, तो जो 70 है इसकी वैल्यू वो ठीक है, 70 हमने इसको किया। उसके बाद में इसको हम साइड में क्लिक करते हैं या पिक टूल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा सेट हो चुका है। इसके बाद में अब ये बैकग्राउंड हमारी पूरी तैयार हो चुकी है एक तरह से। तो यहां हम क्या काम करेंगे, नीचे इस ग्राफिक को सिलेक्ट करते हैं, नीचे से इसको इस तरह से ड्रैग करके ये ग्राफिक को हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, और नीचे यहाँ पर इस बॉक्स को सेलेक्ट, ये जो इमेज हमने प्लेस किया है उसको सेलेक्ट करते हैं। शिफ्ट दबा के रखा हुआ मैंने, और यहाँ पर इमेज का कुछ एरिया है जो कि हमने यहाँ पर प्लेस किया था। अब ये चारों ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किए, इनको हम करते हैं ग्रुप करते हैं इनको, और एक बार टैब को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, या इसको सेंड टू बैक करते हैं, ऑर्डर किया और इसको टू बैक ऑफ लेयर। इसके बाद में इसको राइट क्लिक करते हैं, इसी पर रहकर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड, पावर क्लिप हमने इसको करना है, और यहाँ पर हमने इस बॉक्स को बताना है जिसमें इसको पावर क्लिप हमने करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि तो ये पूरा का पूरा इस पर हो चुका है, लेकिन हमने ये नहीं करना था, यहाँ पर हमसे एक गलती हुई है। तो इसको दोबारा अंडू करते हैं, अंडू करने के बाद इसको हम दोबारा अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप कर लिया हमने, और इसके बाद में जो ये पोर्शन है, या दूसरा काम हम एक और कर सकते हैं कि इसको हम पूरे बॉक्स पर ही अप्लाई कर लें, इसका एक अलग बॉक्स ले लें। तो इसको वापस ग्रुप करते हैं, ग्रुप करने के बाद जो टोटल एरिया है इसका, लेकिन एक गड़बड़ फिर भी हमसे हो जाएगी, इसको दोबारा अंडू करते हैं। ये अनग्रुप हो गया, इस बॉक्स जो हमारा नीचे टेक्सचर है उसको हम छोड़ते हैं फिलहाल, और यहाँ पर इस इमेज को भी छोड़ते हैं। अब दोनों चीज़ें हमारे पास सेलेक्ट हैं, दोनों को हमने ग्रुप किया। ग्रुप करने के बाद इसको हम चलते हैं इमेज के अंदर, या यहाँ से अगर हमें इसे एरिया ज़्यादा नहीं चाहिए तो उसको हम क्रॉप भी कर सकते हैं बाद में। तो फिलहाल हम इसको यहीं पर प्लेस करेंगे, एक बार बॉक्स को क्लिक करके देख लेते हैं कि वो ठीक है, ये लाइन ऊपर ही है जो इसमें हमने इसको पावर क्लिप करना है। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके हमने पावर क्लिप किया। पावर क्लिक करने के लिए इसको हमने दोबारा यस कीजिए, क्योंकि कई बार लाइन को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। साइड में क्लिक करके देखते हैं यहाँ पर, तो नीचे आपका ये पावर क्लिप हो चुका है, इसको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं साइड में। अब हमारे पास जो बची है वो इमेज ये वाली, और नीचे जो टेक्सचर है वो टेक्सचर को फिलहाल छोड़ देते हैं, लेकिन जो इमेज है उसका पोर्शन बार भी है, उसको एक बॉक्स हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर, और जिस साइज़ का जो हमारा इमेज रहना है उसी साइज़ का हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं इसके ऊपर, और यहाँ से इसको बॉक्स को हमने क्लिक किया, राइट क्लिक करते हैं और पावर क्लिप दोबारा करते हैं। ये सभी कमांड्स आपको ऊपर मेन्यू बार में भी मिल जाएंगी। तो ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो टेक्सचर है ये इस ग्राफिक्स के भी ऊपर आ चुका है, तो ये ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने में। दोबारा से जूम आउट करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफिक और है जो कि नज़र नहीं आ रहा वाइट होने के कारण, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको ग्रुप कर लेते हैं सबसे पहले। ग्रुप करने के बाद इसको हम प्लेस करेंगे इस साइड, ये सिर्फ टॉप साइड पर ही है, इसको हम रखेंगे जो फ्रंट साइड है हमारा, और इसको हम इसकी जो पोजीशन है उसको हम थोड़ा चेंज कर लेंगे। या तो आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स को यूज़ कीजिए या इसको क्लिक करना पड़ेगा। इसको हमने करना है फ्रंट पर, तो फ्रंट पर हमने इसको कर लिया प्लेस, और इसके बाद दोबारा इसको हम प्लेस करते हैं। यहाँ पर हमने इसको बताना है कि किस जगह पर प्लेस करिए इसे, तो यहाँ से थोड़ा सा साइज़ का इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ करने के बाद इसको एक बार हम ले लेते हैं इसी के ऊपर, ये ग्रुप नहीं है तो सबसे पहले तो दोनों को सेलेक्ट करते हैं और इनको कर लेते हैं हम ग्रुप।
ग्रुप करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी जो ग्राफिक है वो, उनकी जो सेटिंग है, उनका जो लेआउट है वो बिगड़ जाएगा। इसके बाद जूम करते हैं सिर्फ इसी पोर्शन को, जिससे कि हमें जिस पोर्शन पर काम करना है वो हमें पूरी तरीके से नज़र आए। तो यहाँ क्लिक करने के बाद अब ये आपके जो वर्ड्स हैं इसी के ऊपर आ रहे हैं, लोगों के ऊपर, तो इसको हम दोबारा से सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम टॉप साइड में लेकर आते हैं। टॉप साइड में लाने के लिए इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अगर आपका राइट क्लिक यहाँ पर नहीं हो रहा है तो हम सीधा जाएंगे ऊपर ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आकर हम यहाँ पर इसको ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर पर आकर ये सभी कमांड्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी टू फ्रंट ऑफ पेज। तो वो ऑब्जेक्ट आपका ऊपर आ चुका है। यहाँ पर इसको हम वाइट करेंगे क्योंकि हमें इसको बैकग्राउंड के कंट्रास्ट में रखना है, तो वाइट एकदम ठीक रहेगा, जिससे कि जो आपका लोगो है पूरी तरीके से विजिबल होगा। साइज़ का हम देखेंगे कितना हमें करना है। ये हमने साइज़ का थोड़ा छोटा कर दिया है। अब इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। जो हमारा साइज़ था बॉक्स का, जो साइज़ था वो हमारा 40x30 था, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इस बॉक्स के हिसाब से इसको अलाइनमेंट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो इसको हम लेफ़्ट राइट ना करके इसको सेंटर वर्टिकली करेंगे, इसको अलाइन वर्टिकल। तो सेंटर हमने इसको कर दिया, लेकिन सेंटर करने के बाद हमें लग रहा है कि जैसे ये नीचे कुछ जरूर से ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन अभी ये ऐसा है नहीं। नीचे जो ग्राफिक है वो भी हमारा सेलेक्ट हो चुका है, जैसा हमें चाहिए वैसा ही वो वहाँ पर आ रहा है। इसके बाद में जो साइज़ है वो ठीक है। अब यहाँ हमें बताना है कि जो इसके जो पंचिंग होल हैं वो कहाँ पर होंगे, तो वो हम यहाँ पर ऊपर रखते हैं साइड में। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं उनको, कमांड की को मैंने प्रेस किया हुआ, और जो इनकी हाइट है 5 mm या 6 mm फिलहाल रख लेते हैं, क्योंकि पंचिंग होने के बाद में इसमें डोरी लगती है। ये जरूर ज़्यादा हो गया, तो 0.6 हमने रखना है। ये पॉइंट इसको सिर्फ 1 भी कर देते हैं फिलहाल। यहाँ पर आकर को हम साइज़ कम कर देंगे। इसको फिलहाल हम नीचे बैक पर ले जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमें ठीक तरह नज़र आएगा। इसको बैक करते हैं, बैक ऑफ पेज। बैक ऑफ पेज आप जैसे ही इसको करेंगे तो आपकी जो ग्राफिक है उनकी जो विजिबिलिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। इसको ठीक करने के लिए हम बाद में देख लेंगे। इसको यहाँ पर हमने क्रिएट किया, जो लाइन है हमारी ये रही, इसको हम आउटलाइन देते हैं वाइट, सेट आउटलाइन कलर वाइट, और इसकी जो थिकनेस है, जो आउटलाइन का जो पॉइंट साइज है, उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे। ये ज़्यादा हो गया है तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं, 1 करते हैं, ये ठीक है। अब जिसका साइज़ है उसको हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। इसको 0.6 करते हैं, 0.6 कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। इसको 0.7 करते हैं, 0.7, ये ठीक है। इसके बाद में इसी को हम दोबारा से एक डुप्लीकेट लेंगे, तो राइट क्लिक करके इसको ड्रैग करते हैं इस तरीके से, और इसको यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके डुप्लीकेट पीस इसका क्रिएट कर लेंगे। दोनों को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, या ऊपर टॉप साइड भी हम इसको ग्रुप कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसका जो अलाइनमेंट है, और यहाँ आप इसको सिलेक्ट करें तो जो बॉक्स है वो यहाँ पर है, और ऊपर का जो साइज़ है हमने अब वो कितना छोड़ना है। तो यहाँ पर एक स्ट्रिप रखेंगे हम, इसको हमने क्रिएट किया, और यहाँ पे जो इसका साइज़ है वो 2 cm हम रखेंगे। इसे को ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से साइज़ उसका ऊपर विड्थ में चेंज ना हो। तो 2 cm इसको हाइट में हमने किया, और जो इसकी विड्थ है वो 40 cm ही रखेंगे। यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है। इसके बाद में इसको हम क्या काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो पोजीशन है इसको हम अलाइन करेंगे बैकग्राउंड बॉक्स से, राइट और टॉप से। तो यहाँ पर ये हमारा अलाइन हो चुका है। इसके बाद में जो ये पंचिंग होल हमने क्रिएट किए हैं इनको सिलेक्ट करेंगे, और जो हमने बॉक्स का भी क्रिएट किया है उन दोनों को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद इसको अलाइन करेंगे। यहाँ से इसको सेंटर करना, हमने सेंटर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड से हमने करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो चुका है। इसके बाद में हम क्या काम करते हैं कि जो हमने बॉक्स क्रिएट किया उसको हम ऊपर की साइड इसको फ्लिप कर देंगे। यहाँ पर जो इसका साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, तो इसको हम दोबारा क्या काम करते हैं, इसको यहाँ से टाइप करते हैं 3 cm। तो ये साइज़ आपका क्रिएट हो चुका है। इसमें क्या काम करते हैं, ये जो प्रिंटिंग होगा, प्रिंटिंग होने के बाद ये इनसाइड में फोल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर इस पोर्शन पर वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ इसके कलर्स को हम कुछ चेंज कर सकते हैं, या तो हम इसको कलर को रेड कर दें, आउटलाइन कलर को रेड कर देते हैं, और जो इसका इनसाइड है उसको वाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका होल की तरह वो नज़र आए। इसी के साथ यहाँ पर जो ऊपर वाला ये पोर्शन है इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ हम इनको या तो इसी कलर को हम एक्सटेंड कर दें, या इसी में इसका कोई शेड ले लेते हैं जिसमें हम फिल कर देंगे। इसी का जो डार्क शेड है इसी को हमने इसको फिल कर दिया, और आउटलाइन को नन कर देंगे, जिसकी वजह से जो ब्लैक है वो नज़र आए। यहाँ पर इसको हमने क्लिक किया आउटलाइन के लिए, नन किया इसको। अब ये आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा वाइट नज़र आ रहा है, तो वो वाइट आउटलाइन की वजह से नज़र आ रहा है, गैप थोड़ा सा होता है। तो इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे नीचे की साइड में, और इसको हम क्लिक करते हैं, राइट क्लिक हम किया और ऑर्डर पर जाके इसको बैक ऑफ पेज। तो यहाँ पर वो लाइन आपको नज़र नहीं आएगी।
डिज़ाइन जो है हमारा यहाँ तक क्रिएट हो चुका है। डिज़ाइन क्रिएट हमारा हो गया, लेकिन इसमें हमने जो डोरी है वो भी अभी फ़िलहाल बनानी पड़ेगी। तो इसको हम एक क्लिक यहाँ करते हैं और दूसरा यहाँ करते हैं। इसके बाद में हम शेप टूल लेते हैं। शेप टूल लेने के बाद इसको हमने सेलेक्ट किया, दोनों को, दोनों नोड सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसको कर्व करते हैं। कर्व करने के बाद इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे। ये फ़िलहाल हमें समझने के लिए कि किस तरह हम इसको ये सिर्फ ये समझने के लिए कि किस तरह डोरी आपको नज़र आएगी। यहाँ पर ये सिर्फ हमने इनसाइड आपको दिखाया था कि किस तरह ये प्रिंटिंग होने के बाद में फोल्ड इनसाइड में होगा, जिसकी वजह से इसकी यहाँ की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो फिलहाल इसको हम डिलीट करते हैं, क्योंकि इसका अभी कोई काम नहीं है हमारे पास। जो हमने समझाना था वो हमने बता दिया। इसके बाद में जो ये लाइन है, इसको जो थिकनेस है उसको हम बढ़ा देते हैं। 0.2 mm है, तो इसको बढ़ाकर हम 1 पहले करते हैं। 1 थोड़ा अगर कम लगता है आपको तो थोड़ा सा इसको और इंक्रीज कर देंगे। तो इसको 3 कर देते हैं या 4 कर देते हैं, ये ठीक है। इसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट इसमें है उसको हम देख लेते हैं। डिज़ाइन को हम क्रिएट करने के बाद इसमें क्या काम करेंगे, हम इसको एक मॉकअप पर इसको प्लेस करेंगे, जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे कि किस तरह ये वहाँ पर प्लेस होगा। तो ग्राफिक जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था उसे हमने फ्रंट पर लेकर आए थे, यानी कि जो ये वाला टेक्सचर है उसको हमने उसको चेंज किया था। तो इसको यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और इसको सबसे पहले तो ऑर्डर करते हैं और इसको बैक करते हैं। बैक ऑफ पेज, ये बैक साइड में चला गया, आपका ये ग्राफिक भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर इसको इस नीचे वाले ग्राफिक के भी ऊपर रखना है तो इसको एक बार और करते हैं और यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ और इसको क्लिक किया हमने यहाँ पर। तो आप देखेंगे जो ग्राफिक पर जो टेक्सचर है वो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पर, जिससे कि हमें पूरा नज़र आए। एक बार इसको सेव भी कर लेते हैं। अगर फाइल आपकी क्रैश हो जाती है तो जो आपने किया वो सब गायब हो जाएगा। इसके बाद दोबारा हम इस बॉक्स को लेकर आते हैं जो कि हमने साइड में रखा हुआ है। यहाँ पर इसको हमने प्लेस किया। अलाइनमेंट से आप इसको अलाइन भी कर सकते हैं या वैसे ड्रैग कर लें। उसके बाद में इसको हम प्लेस करेंगे, जो साइज़ है इसका थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ करने के बाद इसको नीचे तक लेकर आते हैं, इस तरह के, इस तरीके से। या नीचे लाने के बाद इसको हम क्या काम करेंगे, इसको सेंड टू बैक करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर किया इसको और बैक ऑफ पेज। बैक करने के बाद हमारा ये जो टेक्सचर है वो नज़र आ रहा है आपको। नीचे आप देखेंगे तो टेक्सचर का जो डिटेल है वो शो करेगा। यहाँ पर RGB 200 dpi के लगभग है। दोबारा हम चलते हैं इसको क्लिक करके ट्रांसपेरेंसी पर और यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं मल्टीपल। मल्टीपल जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ तो आप देखेंगे किस तरीके से जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुकी है पूरी तरीके से। जो लोगो और नीचे का जो ग्राफिक है वो पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। यानी कि हमने जो डिज़ाइन क्रिएट किया, एक बार अंडू करके मैं आपको दिखाता हूँ। अंडू करने के लिए हम एडिट में जाते हैं और अंडू इसको किया। अब इसको देखिए और उसके बाद में जो हमने अभी किया, जो चेंज किया हमने, इसको रीडू किया दोबारा और इसको देखिए। डिज़ाइन में जो भी हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है उसकी डेप्थ पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। तो लेकिन हमें इसको इतना ज़्यादा नहीं दिखाना। दोबारा हम इस ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करते हैं और जो नीचे आपको वैल्यू नज़र आ रही है इसको हम फिलहाल करते हैं 50। ओके करते हैं, 50 थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसको 30 कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेप्थ थोड़ी बनी रहे। या इसको हम कर देते हैं 20। अब इसको यहाँ पर ये हमने जो ट्रांसपेरेंसी है वो अप्लाई कर दी है। अप्लाई करने के बाद अब ये हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक का हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हमने इस पर एक वेबसाइट का एड्रेस ऐड करेंगे। तो टाइप करते हैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस। एड्रेस हमने ये टाइप कर लिया है। इसको फॉन्ट थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट चेंज करने के लिए हम इसमें करते हैं पीरा सेंस थिन और इसको हम प्लेस कर लेते हैं पहले अपने डिज़ाइन पर। और साइज़ इसका थोड़ा देख लेते हैं इंक्रीज़ करके कितना हमें रखना है, 35 पॉइंट। और इसका जो कलर है वो हम वाइट रखेंगे। वाइट हमने इसका कलर कर दिया है। अगर पॉइंट साइज आपको कम थोड़ा करना हो तो कम कर सकते हैं, इसको 30 पॉइंट कर देते हैं। तो उसके बाद में जो हमारा लोगो है ऑरेंज स्काई का, उसी से इसको अलाइन करेंगे। शिफ्ट दबाकर हमने लोगो को भी सिलेक्ट किया और हमारा जो वेबसाइट का एड्रेस है वो भी सिलेक्ट है। दोनों को सिलेक्ट करके हमने इसको अलाइन करना है और सेंटर अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो ये डिज़ाइन हमारा यहाँ तक कम्प्लीट हो चुका है। डिज़ाइन ये कम्प्लीट हो चुका है। इसमें मैं दोबारा बताना चाहता हूँ आपको, ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा फ्रंट साइड है। उसके बाद में जो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका स्पाइन हो गया। स्पाइन पर आप वेब एड्रेस भी दे सकते हैं या कोई ईमेल भी दे सकते हैं या फ़ोन नंबर अगर आपको देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं या कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको प्लेस करनी हो तो वो भी प्लेस कर सकते हैं। तो मेन जो हमारा नज़र आने वाला पार्ट है वो यही है। इसके अलावा टॉप साइड में हम देखें, टॉप साइड में हमने ये एक
बेड बनाया हुआ है, ये जो इस एरिया में छोड़ा हुआ है ये इनसाइड के लिए है। जब ये फ्लैप इनसाइड में फोल्ड होता है तो इसकी ऊपर की जो स्ट्रेंथ है, जो डोरी जहाँ पर लगनी है उस जगह की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो इसको हम फिलहाल हटा देते हैं क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, या इसको रहने देते हैं। उसके बाद में जो नीचे का पोर्शन है वो आपका बॉटम साइड है और ये फ्लैप फोल्ड हो जाएंगे तो ये आपका बेसिकली नज़र नहीं आएगा। तो फिलहाल हम इसको किसी अपने डिज़ाइन पर, ये जो मोकअप होगा कैरी बैग का, उस पर प्लेस करके देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, जो आपकी आउटलाइंस हैं उनको हम फिलहाल हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें सिर्फ डिज़ाइन की ज़रूरत है, आउटलाइन की नहीं। सारी आउटलाइन हमने हटा ली हैं, ऊपर की जो ये डोरियाँ हैं इनको भी फिलहाल हम हटा देते हैं क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं। ये हम जब मौका पर इसको प्लेस करेंगे तो वहीं पर हम इसको देख लेंगे। तो सेलेक्ट ऑल करते हैं सारे ऑब्जेक्ट को, जो हमारा डिज़ाइन है पूरा उसको हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद में इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट हमने इसको किया और हमारे पास एक फाइल हमने डेस्कटॉप पर ऑलरेडी बनाई हुई है, उसी को रिप्लेस कर देते हैं। जेपेग क्रिएट किया, रिप्लेस किया इसको। रेजोल्यूशन इसकी हम थोड़ी कमी रखेंगे फिलहाल, ये जो डिज़ाइन है अभी हम इसको सिर्फ देखने के लिए RGB में कर रहे हैं, लेकिन जब प्रिंटिंग के लिए आपको बनाना हो तो पूरे डिज़ाइन को आपको CMYK के कलर के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। रेजोल्यूशन इसकी 100 रखेंगे और ओके करते हैं इसको। ओके करने के बाद इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं और अपना जो सॉफ्टवेयर है हमारा कैरी बैग जिसमें हमने बनाया है, एडोब डायमेंशन पर हम इसको प्लेस कर रहे हैं। वहाँ पर हम जो कैरी बैग का मोकअप है उसमें इसको प्लेस कर देंगे। ऑलरेडी हमने उसको लगाया हुआ है लेकिन इस इमेज को हम दोबारा से उस पर इंसर्ट कर देंगे। तो आपका ये यहाँ पर डिज़ाइन है जो मोकअप दिया हुआ है इसका, सिलेक्ट करके देखते हैं एक बार। यहाँ से इसको थोड़ा सा हम रोटेट कर लेते हैं जो फ्रंट साइड हमें ठीक तरह नज़र आ जाए। उसके बाद में यहाँ पर कैरी बैग पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। कैरी बैग में इसमें बैग है और पेपर है, पेपर को हम छोड़ देते हैं। जो आपका बैग है उसी को हमने लिया हुआ है, इस पर आकर हमने इसको यहाँ से एरो को डाउन करना है। डाउन करके जो हमने इमेज इसमें फिलहाल प्लेस की है उसको हमने रिप्लेस करना है फिलहाल इसमें। तो यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं दोबारा और यहाँ पर इसको रिप्लेस करने के लिए इमेज सेलेक्ट करते हैं। पहले वाले में हमने वेबसाइट लगाई नहीं थी तो इसीलिए मैंने इसको दोबारा एक्सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर ये आपका बैग प्लेस हो चुका है। तो जब भी मोकअप पर इस तरह से आप देखते हैं तो एक्चुअल आपको पता लगता है कि डिज़ाइन आपका किस तरह से काम करेगा। तो कैरी बैग का जो डिज़ाइन है वो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता, नीचे जो हमने बॉटम साइड पे छोड़ा था वो नीचे फ्लैप पर फोल्ड हो जाता है, ऊपर का भी ऐसे ही है। जो हमने 2 सेंटीमीटर ऊपर की साइड में छोड़ा था, यानी जो एरिया हमने इंक्रीज़ किया था, वो इनसाइड में ही फोल्ड हो चुका है, जो कि आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। स्पाइन आपकी ये रही, स्पाइन पर हमने कुछ किया नहीं था लेकिन इसी का रिपीट हमने किया हुआ है इसीलिए यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। फ्रंट साइड आपका जैसे आपने बनाया था, ब्लू कलर की बैकग्राउंड है उस पर टेक्सचर यूज़ किया था, नीचे हमने ग्राफिक यूज़ किए थे और यहाँ पर हमने लोगो अपना प्लेस किया और यहाँ पर वेबसाइट को प्लेस किया। तो फ्रेंड्स, कैरी बैग पर हमारा कोरोड्रो मास्टर क्लासेस में ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलते रहें। और इस वीडियो को देखकर आप खुद भी अपना कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं। कुछ भी डिज़ाइन आप बनाइए, उसमें आप उसको बनाने के बाद एज ए JPEG सेव कीजिए और उसे सोशल मीडिया पर मुझे टैग करते हुए, जिसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पोस्ट कीजिए। आपके पोस्ट किए हुए डिज़ाइन को मैं अप्रिशिएट जरूर करूंगा और उसमें जो भी कमियां होंगी, जो भी इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं उसमें, वो आपसे मैं डिस्कस जरूर करूंगा। तो बने रहिए कोरोड्रो मास्टर क्लासेस के इन एपिसोड्स के साथ में, जिसमें हम सीखते रहेंगे नए नए डिज़ाइन बनाना। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कौन सा हम नया डिज़ाइन बनाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड 06 में, जिसमें सीखेंगे कोरोड्रो मास्टर क्लासेस कुछ अलग ही ढंग से।